Hi friends, welcome to my channel Super Knowledge Seeker Dhini Shivakar Mushadeki. And in this video, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो DXC4 जो पैनल है उसके हूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू. आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना मॉड्यूल MITCMOE सिंगल आउटपुट मॉड्यूल, यानी कंट्रोल मॉड्यूल या आउटपुट मॉड्यूल इस वीडियो को कैसे कनेक्ट करते हैं ना. ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपको. तो जैसे हमारा ये मॉनिटर मॉड्यूल है, कंट्रोल मतलब कंट्रोल मॉड्यूल है, सॉरी आउटपुट मॉड्यूल. इसका नंबर ही तो जानते होंगे, ये 10 से ये 1 से, यानी कि 1 एक दहाई, यानी कि एक दहाई है, एक दहाई 10 होता है, 2 है 20. इसका नंबर कितना है, 2 पे 10 पे 2 यानी 20 हो जाएगा ना, 20 गुने 10, 2 गुने 10 20 हो गया. और ये 1 9 यानी 1 टाइम्स 9 है, तो 9 1 9 और ये हो गया ना 29 हो गया, 29 इसका एड्रेस है, ठीक है ना. ओके, ये टेंस और ये वंस है, 2 10s 20 और 9 1s 9. ओके, तो 20 प्लस 9 29. अगर यहाँ पर होता 0 तो 1 2 3 4, 2 1 पे होगा 10 10 होगा, फिर 11 12 13 14 होगा, ऐसे ना. तो ऐसे ये 29 है. तो आपको जो मेन हम बताने वाले हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे एड्रेस देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है ना, इसमें कनेक्शन करना, ठीक है ना. ये 1 2 3 4 जो है वो हमारा क्या है, ये SLC जो है लूपिंग का जो है वो कनेक्शन. देखें यहाँ पर लूपिंग की वायर्स आई हुई है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये इन वाला जो लगाएंगे इसमें लगाएंगे, प्लस प्लस 4 जो है, 4 में जो है ना रेड लगाएंगे, 3 में इन का ब्लैक लगाएंगे, फिर 2 जो है वो देख रहे हैं आप, 2 में रेड लगा हुआ है और 1 में ब्लैक लगा हुआ है आउट का, है ना. तो ये हो गया हमारा लूपिंग जो जिससे जिसके थ्रू ये डिवाइस काम कर रहा है. अब कनेक्शन देना है हूटर को, है ना. तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि जो 5 है वो 5 भी जो है 4 ही होते हैं. ये 5 और 4 देखिए, इसलिए 5 छोड़ देंगे और ये 6 7 देखें ना, 6 7 6 7 क्या करेंगे, एक लिंक केबल से जो है ना शॉर्ट कर देना है, एक शॉर्ट कर देना है ना, एक छोटे से लिंक केबल से इसको लिंक यानी कि शॉर्ट कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना. 5 6 और 7 को 5 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 तो अपना लूपिंग के लिए हो गया, SLC के लिए, है ना. इनका प्लस माइनस, आउट का प्लस माइनस, उसके बाद 5 छोड़ के 6 7 को लिंक कर दिए. और देखिए 8 और 9 में जो है ना, 8 नंबर में जो को कनेक्ट करेंगे किससे, हूटर के माइनस वाले केबल को, है ना, जो आता है ना एक जो 2 कैरियर केबल होते हैं 2 कोर के, तो माइनस लगाएंगे 8 में प्लस लगाएंगे 9 में, है ना. हूटर का माइनस 8 में प्लस 9 में. उसके बाद पावर सप्लाई भी इसमें देना पड़ता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई 24 वोल्ट पावर सप्लाई देना पड़ता है, 220 से 24 वोल्ट सप्लाई वाला जो एडेप्टर होगा वो लगा देंगे आप, तो वो यहाँ पर लगाना पड़ता है. तो इसका जो है प्लस पावर एडेप्टर का जो प्लस रहेगा वो 10 में, माइनस जो है 11 में रहेगा, 12 खाली रहेगा. ओके, फिर से बता दें आपको, 1 2 3 4 में लूपिंग का है, 5 छोड़ देंगे, 6 और 7 में कूलिंग कर देंगे, 8 में हूटर का माइनस, 9 में हूटर का प्लस, 10 में पावर सप्लाई का प्लस रेड और 11 में पावर सप्लाई का माइनस, है ना. तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं और आपका ये लूप काम करेगा ना. फिलहाल ये नहीं काम कर रहा क्योंकि लूप से कनेक्टेड नहीं है इसलिए ना, लेकिन कनेक्शन ऐसे ही रहेगा आपका. ओके, मैंने ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, है ना. ये हमारा MCP है, किसी ने लगता है पूछ के हुआ, देख रहा है लोग कर देते हैं, क्या करें. ब्रेक गिलास है, बिल्कुल ब्रेक टूट जाता है गिलास, फिर से फिर ग्लास चेंज करें या फिर टेबल लगा दें, ये सब मुसीबतें आती रहती हैं.